वीडियो में देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट फंड है, बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छे फंड है दोनों, और सब लोग बोलते हैं कि भाई दोनों बेस्ट फंड है, लेकिन दोनों में से कौन सबसे अच्छा बेस्ट फंड है और कौन से फंड में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि भाई दोनों सुपर फंड्स हैं। दोनों में से लास्ट में देखेंगे कि भाई लमसम अगर मुझे करना है तो दोनों में से कौन से फंड में आप लमसम कर सकते हो सो दैट अच्छा रिटर्न बन सके। तो आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी लोग जो स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट या ऑलरेडी कर चुके हैं या दोनों में से कोई एक म्यूचुअल फंड ले चुके हो, चलो देखेंगे अलग अलग चीज देखेंगे कि भाई इसकी होल्डिंग कितनी अच्छी कंपनी में है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है एंड रिटर्न लास्ट टाइम से लॉन्ग टाइम रिटर्न कितना अच्छा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो जो चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन क्लिक कर देना, सो आने वाली वीडियो चैनल की सबसे पहले आपको मिलती रहे, राइट। सो स्टार्टिंग करते हैं बिना देरी करते हुए कि भाई सबसे अच्छे अच्छे कौन से फंड है और इस फंड दोनों में से हम बेहतर कौन है, सबसे पहले ये देखेंगे और लमसम किसमें करना बहुत अच्छा रहेगा, दोनों में से कौन से में हम लमसम कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली ग्रो एप्लीकेशन में चलूंगा, दोनों के बारे में चार चार पांच पांच पॉइंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे और इस कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो दोनों में से, अगर दोनों में से चूज करना हो, चुनना है दोनों में से कौन से फंड को चुन सकते हो, राइट। चलो ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन में जाता हूं, आपको सब आपको दिखाने के लिए इसका रिकॉर्डिंग ऑन करूंगा और इसका रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद सो दैट आपको एग्जैक्टली सब कुछ दिखे कि व्हाट इज हैपनिंग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, ग्रो एप्लीकेशन में चले गए हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टिंग करने का, आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, सिंपल केवाईसी कंप्लीट करके ना आपको स्टार्ट कर देना है, बहुत सिंपल है। मोर देन 5000 म्यूचुअल फंड में से बहुत बेस्ट कौन है ये आपको ग्रो एप्लीकेशन बताता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं स्मॉल कैप की कैटेगरी में जाऊंगा क्योंकि हमारे दोनों जो फंड है ना भाई, दोनों फंड स्मॉल कैप की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं चलूंगा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप में SBI को ले लेते हैं, SBI के बारे में देखते हैं, अलग अलग कंपेयर करेंगे, दोनों कंपेयर जब करोगे ना तो कंपेयर करके आपको इजीली पता चलेगा लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है, SBI स्मॉल कैप का लॉन्ग टर्म का जो रिटर्न है अभी तक हमें मिला है 24.92%, 24.92% लॉन्ग टर्म का रिटर्न है, मतलब अभी तक जब से यह फंड आया है 24% रिटर्न दे चुका है, बहुत ही ह्यूज है। लोग उनके लिए है जो लोग कहते हैं ना कि सर म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इतना इतना हो ही नहीं सकता, इतना परसेंट कैसे बता रहे हो सर, तो भाई मैं नहीं बता रहा हूं, गूगल बता रहा है, सब कुछ आपके सामने है, क्लियरली मेंशन है कि लॉन्ग टर्म में 24.9% यहां पास मिला हुआ है। देखो बारी बारी सब देखेंगे, अब यहां पास अगर SBI की बात करें तो 24.92 मिला है, तो वहीं अगर निपॉन की बात करें तो निपॉन भी आपको भैया 24.32% मिला है, तो टक्कर दोनों की है, ऐसी बात नहीं है कि हम किसी से कम नहीं है, दोनों किसी से कम नहीं है। यहां पास रिटर्न के मामले में ये कह सकते हैं कि भाई लगभग दोनों का लगभग चीजें लगभग बराबर चल रही हैं, ठीक है। अब यहां आप देखते हैं SBI स्मॉल कैप की बात करूंगा मैं, SBI स्मॉल कैप में फंड साइज 15,348 करोड़ है, कितना है 15,348 करोड़ का फंड साइज है, मतलब इतने लोगों ने यहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अगर वहीं आप निपॉन इंडिया की बात करते हो तो निपॉन इंडिया में अभी तक कितने लोगों ने इन्वेस्ट किया है, निपॉन इंडिया में 23,000 लोगों ने पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, 23,700 करोड़, 23,000 करोड़ ऑलरेडी पैसा या इन्वेस्टेड है। कुछ लोगों को जो डर लगता है ना AMC भाग जाएगी, क्या होगा कैसा होगा, उनके लिए बताना चाहूंगा भाई दोनों में इतने पैसे इन्वेस्टेड हैं, दोनों में इतने वैल्यूज हैं, मतलब इतने लोगों का पैसा ऑलरेडी यहां पास इन्वेस्टेड है। चलो ये बात हो गई, अब SBI की बात करूं तो SBI में आप देखोगे कि ये जो हमारा फंड है ना, रेटिंग में हमारा ये 4-स्टार फंड है, रेटिंग को एक्सपर्ट होते हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट, और म्यूचुअल फंड AMCs के जो फाउंडर्स होते हैं वो लोग रेटिंग डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। अगर वही मैं बात करूं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप की रेटिंग में, तो भाई साहब रेटिंग यहां भी 4-स्टार है, मतलब दोनों की यहां पास कांटे की टक्कर है, तो दोनों में से बेटर कौन रहेगा भी पता चलने वाला है। अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हो जस्ट फॉर द 1000, तो दोनों में से बेहतर कौन है यह भी पता चलने वाला है। चलो ये देख लेते हैं, निपॉन में देखते हैं कि भाई यहां पास होल्डिंग कौन कौन सी अच्छी कंपनी है, HDFC है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, KPI टेक्नोलॉजी है, NIT है, लार्सन डुब्रो है, इसको LNT
एलएनटी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, जो लोग शेयर मार्केट के दीवाने हैं, जैसे मैं बोलता रहता हूं, म्यूचुअल फंड्स की वीडियो में एक आपको जरूर मिलेगा जो शेयर मार्केट के बताता है कि आप शेयर ले सकते हो। एलएनटी की बात करूं, एलएनटी का ओवरऑल रिटर्न भाई बहुत ज्यादा है, सामने दिख रहा होगा 10,000% रिटर्न है। 5 साल में इसने 63% रिटर्न जरूर दिया है, थोड़े कम हुए हैं पिछले 5 सालों में, लेकिन लॉन्ग टर्म का रिजल्ट बहुत अच्छा है। पास अगर परफॉर्मेंस की बात करें, 95% लोग कहते हैं कि भाई ये शेयर आप लेके होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाला खेल है, ध्यान रखना। यहाँ पास इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा बना सकते हो इस शेयर में। पिछले 1 सालों में 20% का रिजल्ट इसने दिया है एलएनटी ने, लार्सन एंड टोब्रो पिछले 1 सालों में लगभग कितना दिया है, 20% का, एक महीने में निगेटिव है, काफी निगेटिव है। यहां पास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहां पास आप ये शेयर ले सकते हो और पैसे अपने होल्ड कर सकते हो, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग में यहां पास बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। तो प्रमोटर होल्डिंग हम देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग प्रमोटर में 39%, यहाँ पास प्रमोटर्स थोड़े से कम है जरूर, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर हम लोग का, जो इंडियंस जो लोग हैं शेयर मार्केट में, उन्होंने काफी पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। चलो ये बात हो गई, इसमें निपॉन की बात हो गई। अब SBI में देखते हैं भाई, SBI में मतलब यहाँ पास अगर देखा जाए, अच्छी अच्छी कंपनी के यहाँ पास शेयर होल्डिंग पैटर्न है, मतलब होल्ड अच्छी अच्छी कंपनी का यहाँ पास है। अगर यहाँ पास की बात की जाए यहाँ होल्डिंग की, तो आप देख सकते हो यहाँ पास होल्डिंग यहाँ भी ब्लू स्टार, वी गार्ड इंडस्ट्रीज, वेदांत फैशन बहुत अच्छा है, यहाँ भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो वेदांत फैशन पर, त्रिवेणी, फेनोलॉक्स, लेमन ट्री होटल्स, ये सारे बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। होल्डिंग एनालिसिस की बात किया जाए तो भाई 93% यहाँ पास पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है, मतलब शेयर मार्केट थोड़ी सी, अगर शेयर मार्केट में पॉजिटिव चीजें आती हैं, यहाँ पास पैसा आपको बहुत तेजी से बढ़ के मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो रिटर्न आप देख सकते हो। अब एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए तो 0.71% एक्सपेंस रेशियो है, तो भाई होल्डिंग यहां भी अच्छी है, अगर एक्सपेंस रेशियो की बात किया जाए, एक्सपेंस रेशियो मतलब खर्चा जो हम लोग देते हैं म्यूचुअल फंड कंपनीज को, कि भाई आप लोग खर्चा वर्चा निकाल के ना, आप जो भी होगा हमें रिटर्न दे देना, बदले में थोड़ा सा खर्चा आप लेके रखो, राइट, उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे यहाँ पास, एक्सपेंस रेशियो हमारा कितना है, इसमें स्मॉल कैप की बात करूं, एक्सपेंस रेशियो मैं आपको हमेशा कहता हूं भाई 1% से कम होना चाहिए, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पास 0.71% एक्सपेंस रेशियो है। अब एक्सपेंस रेशियो अगर 1 साल के अंदर पैसा आप निकालते हो तो 1% एग्जिट लोड है, इसीलिए अगर आप स्टार्ट करते हो SIP, कोई स्कोर 1 साल के अंदर पैसे ना निकालो, 1% एग्जिट लोड लग जाता है वहां पास। अब सिंपल SBI की बात, अगर निपॉन की बात करूं, ठीक है ना, तो निपॉन की अगर बात करोगे तो निपॉन इंडिया में भी आप, मैं एक्सपेंस रेशियो देख लेता हूं कि निपॉन में एक्सपेंस रेशियो का क्या कंडीशन है। यहां पे एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होना चाहिए, यस, यहां पे एक्सपेंस रेशियो आपका 0.86% एक्सपेंस रेशियो है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब देखा जाए तो SBI भाई इस मामले में ना बाजी मार लिया है, बाकी तो सब चीज बढ़िया है, बाकी ठीक ठाक है, लेकिन SBI यहां पास थोड़ा सा बाजी मार लिया एक्सपेंस को लेके। चलो आगे देखते हैं। एक्सपेंस के बाद अगर फंड मैनेजमेंट की बात करें, कितना इंपॉर्टेंट फंड है भाई, ये 2014-15 से इंपॉर्टेंट फंड है, इस फंड को लगभग मोर देन 7 इयर्स हो चुके हैं, का फंड है हमारा यहाँ पास। अगर वही SBI की बात करें, चलो SBI का देख लेते हैं कि भाई SBI का कितना इंपॉर्टेंट फंड है, जितना इंपॉर्टेंट फंड होता पुराना, मतलब ओल्ड पूरा फंड है जितना, यहां पर देखते हैं इसका फंड मैनेजमेंट कौन कर रहा है, श्रीनिवासन जी, यार ये बहुत मेरे फेवरेट है, सही बताऊं तो ये काफी अच्छे फंड्स के देखा जाए तो बहुत अच्छा मैनेजमेंट यहां पर कर रहे हैं, 2013 से कर रहे हैं, 2023 तक मोर देन 10 इयर्स का हो चुका है, मतलब आप देख सकते हो कि भाई यहां पास SBI ने भी थोड़ा पड़ला भारी कर लिया है, मतलब फंड मैनेजमेंट भी जो टीम कर रही है वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं फंड मैनेजमेंट वाले, तो इसके लेके रिटर्न बहुत, दोनों का बहुत शानदार है, तो मैं इस मामले में दोनों को बोलूंगा कि भाई यहां पास SBI ने बाजी मारी, एक्सपेंस रेशियो को लेके भी SBI ने बाजी मारी। अब दोनों का देखते हैं कि ग्रो एप्लीकेशन में दोनों का प्लस माइनस दोनों मेंशन है, चलो हम देख लेते हैं निपॉन स्मॉल कैप में प्रो कॉन्स में क्या क्या है, चलो ये देख लेते हैं। अब ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी प्रो कॉन्स में, कितना कौन इंपॉर्टेंट फंड है यहाँ पास, तो रैंकिंग को होल्डिंग को देखते हुए ये हम देख लेते हैं कि फंड मैनेजमेंट के बाद ऑब्जेक्टिव के बाद अदर प्लान्स में यहाँ पास कुछ खास ऐसा नहीं है। एक चीज है जो इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि भाई साहब अगर आप लमसम करना चाह रहे हो तो
तो लमसम के मामले में SBI थोड़ा सा वीक है, SBI स्मॉल कैप में लमसम अवेलेबल नहीं है अभी, इसीलिए आप लमसम करना चाह रहे हो तो भाई यहां पास आप लमसम कर सकते हो, जो है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यहां पास आप लमसम कर सकते हो, यहां पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप देख सकते हो ग्रो एप्लीकेशन पे दोनों कर सकते हो, वन टाइम लमसम दोनों कर सकते हो। अगर मैं वही SBI की बात करूं तो SBI में वन टाइम रिस्ट्रिक्शंस है, वन टाइम यहां पास नहीं हो सकता, यही केवल डिसएडवांटेज जो मुझे SBI स्मॉल कैप में लगता है, बाकी लमसम के लिए निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सोचो आप अगर ज्यादा नहीं केवल मंथली में बोल रहा हूं SIP के लिए, अगर मंथली केवल 2000 भी इन्वेस्ट करते हो, कितना 2000 इन्वेस्ट करते हो, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, केवल 2000 इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप देखो यहां पास आपकी वैल्यू कितनी बनती है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2000 जो इन्वेस्ट करना है आपको कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है, एक आदत सी बना लेना है कि भाई मुझे हर महीने कुछ भी करके 2000 अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, घूमने के लिए, कुछ भी प्लानिंग करो फ्यूचर की, लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो SIP कैलकुलेटर से आपको दिखाऊंगा कि केवल 2000 आप अगर इन्वेस्ट करते हो, मैं दोनों ने मोर देन 24% दिया है तो मैं यहां पास केवल 20% लेके चल रहा हूं, पिछले 8-10 सालों का रिकॉर्ड ऑलरेडी कहता है कि भाई 24% सुपर मिला है, मैं 20% लेके चल रहा हूं, ज्यादा नहीं केवल 20 इयर्स का मैं बोलूंगा। आज आप अगर 400,000 टोटल इन्वेस्ट करोगे, कितना 480,000 इन्वेस्ट करोगे, आपकी वैल्यू बन रही है 63 लाख। ये पावर होता है कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग की ताकत होती है। गलती से आपने अगर उसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिया, बोल दिया भाई लगातार कंटिन्यू इन्वेस्ट करना है 30 इयर्स के लिए, तो जो वैल्यू 7,20,000 टोटल इन्वेस्ट करोगे केवल 2000 महीने से, मुझे मालूम है केवल 2000 महीना शुरुआत नहीं रहोगे और बढ़ाओगे, सैलरी बढ़ेगी, जॉब इंक्रीमेंट होगा, कुछ तो होगा, कहीं से पैसे एक्स्ट्रा आएंगे, डेफिनेटली आप पैसा ज्यादा बढ़ाओगे, तो भी मैं केवल 2000 लेके चल रहा हूं। जैसे ही आप 2000 करते हो तो आप 7,20,000 जमा करते हो, आपकी वैल्यू बन रही है लगभग 4,67,00,000 रुपए बन रहा है। ये पावर होता है कंपाउंडिंग की ताकत, इसी को कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो चीज आपको बैंक FD RD नहीं दे सकते हैं ना, यहां पर म्यूचुअल फंड में ताकत होती है देने की। ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं पिछले 10-12 सालों में, उनका पोर्टफोलियो आप ऑलरेडी आपने देखा होगा, ऑलरेडी उन्होंने मोर देन 1 CR बना चुके हैं, तो ये लिटरली ताकत है। यहां पास म्यूचुअल फंड 24% लिखा है तो भाई डेफिनेटली उन्होंने दिया होगा इसीलिए। तो डेफिनेटली दोनों बहुत बढ़िया फंड है, लेकिन थोड़ा कुछ क्वालिटी SBI स्मॉल कैप में थोड़ी कुछ ज्यादा है, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में कुछ क्वालिटी ज्यादा है, लेकिन फंड भाई दोनों शानदार फंड है। आप दोनों में से किसी एक फंड में भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, आप चाहो तो दोनों फंड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है आपके पास, राइट। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही आसान भाषा में कोशिश करता हूं कि आपके दिल तक सारी आवाज पहुंचा हूं। लाइक जरूर कर लेना, क्योंकि आप लाइक करते हो तो YouTube प्रमोट करता है, सो दैट आने वाली जितने भी और भी लोग हैं उनको उन तक वीडियो पहुंच जाए। बाकी कुछ भी सजेशंस हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, कोशिश करूंगा आपकी वीडियोस लेने का, आपकी कमेंट लेने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ध्यान रखिएगा और ध्यान रहिए इन्वेस्टमेंट करते जाना है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।